गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल वन स्टॉप नी. दिस इज योर वैष्णवी मैम. हाउ आर यू गाइस? सो आज के वन क्वेश्चन कन्फर्म सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने टॉपिक लिया है फंक्शनल ग्रुप टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. ये आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी आता है और एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी आता है, दोनों में आता है. ठीक है, तो इसमें ये पूरा मैंने लिस्ट दे रखा है क्या क्या टेस्ट आज हम पढ़ेंगे. राइट, सबसे पहला है 2,4-DNP टेस्ट, जिसको हम 2,4-डाइनहाइड्रोफिनाइल हाइड्रेजीन टेस्ट भी बोलते हैं. फिर नेक्स्ट आता है आपका टॉलेंस टेस्ट, फिर शिफ्स टेस्ट, फिर फेलिंग, बेनेडिक और हेलोफॉर्म टेस्ट. ये सारे जो है वो आपके इंपॉर्टेंट टेस्ट है. राइट, और आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी है, तो हम इसको मिस नहीं करेंगे. राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2,4-DNP टेस्ट. ठीक है, 2,4-DNP टेस्ट ये जो है ये कार्बनल कंपाउंड के लिए ये टेस्ट जो है हम यूज़ करते हैं. इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बनल ग्रुप इन अ कंपाउंड. कार्बनल ग्रुप क्या होता है? आपका CO ग्रुप. ठीक है, ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है कंपाउंड में तो आपका 2,4-DNP टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा. राइट, और क्या ऑब्जर्वेशन है आपको यहाँ पे या तो आपको येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, या तो ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिलेगा, या तो ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा. राइट, या तो इन तीनों में से किसी कोई भी एक प्रेसिपिटेट आपको मिला तो वो कंफर्म है कि आपके कंपाउंड में कार्बनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है और वो 2,4-DNP टेस्ट जो है पॉजिटिव दे रहा है. ठीक है, तो एक बार रिएक्शन देख ले. तो आपका कोई भी कार्बनल कंपाउंड है, रैंडम कार्बनल कंपाउंड है. ठीक है, आप उसको टेस्ट करना चाहते हो कि उसमें कार्बनल ग्रुप जो है प्रेजेंट है कि नहीं. राइट, तो आप क्या लोगे, यहाँ पे कार्बनल कंपाउंड लिया, ये आपका कंपाउंड है और ये रहा आपका 2,4-DNP ये रिएजेंट. ठीक है, 2,4-डाइनहाइड्रोफिनाइल हाइड्रेजीन, ये वाला कंपाउंड जो है आपका फिनाइल हाइड्रेजीन होता है और सेकेंड और फोर्थ पोजीशन में नाइट्रो आने की वजह से इसका नाम बढ़ता है 2,4-डाइनहाइड्रोफिनाइल हाइड्रेजीन. जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपका ये वाला कंपाउंड जो है बनता है और ये कंपाउंड जो है ये इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिपिटेट. राइट, या तो आपका येलो आएगा, या तो ऑरेंज आएगा, या तो ऑरेंज रेड आएगा. ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका देखो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन. राइट, क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले यहाँ पे NH2 जो है यहाँ पे अटैक करेगा. ठीक है, पहले ऐड होगा इसके लॉन्ग, फिर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपका एलिमिनेट होगा, फिर लास्ट में आपका ये वाला टाइप का बॉन्ड बनेगा और ये कंपाउंड जो है वो बनेगा और ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिपिटेट. राइट, तो ये था 2,4-DNP टेस्ट, जो कि आप ये कीटोन और एल्डिहाइड ये बात ध्यान रखना, ये वाला टेस्ट जो है कीटोन और एल्डिहाइड दोनों जो है ये पॉजिटिव देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉलेंस टेस्ट. राइट, टॉलेंस टेस्ट जो है वो आपका सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को टेस्ट करने के लिए. राइट, आपने पहले कंफर्म कर लिया कि आपके कंपाउंड में कार्बनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, अब आपको कंफर्म करना है कि कार्बनल ग्रुप कौन से टाइप का है, एल्डिहाइडिक टाइप का है या कीटोनिक टाइप का है. उसके लिए हम फर्दर टेस्ट करेंगे. सबसे पहला टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट. राइट, इसमें क्या होता है, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर इज ऑब्जर्व्ड. ठीक है, आपने कंपाउंड लिए, रिएजेंट्स डाले, उसको हीट करा और आपने उसको रख दिया और सिल्वर मिरर ऐसे शाइनी सा, यहाँ पे जो पिक्चर दिखा है ऐसे शाइनी सा आपका, अगर आपको सिल्वर मिरर दिख रहा है तो इट इज़ कन्फर्म कि आपके कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप दैट इज ये CHO ग्रुप जो है प्रेजेंट है. राइट, और इस पर ध्यान रखना, बोथ एरोमेटिक और एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल आपका जो RCHO है ये भी देता है ये वाला टेस्ट और आपका जो बेंजाल्डिहाइड है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये भी आपका टेस्ट देगा. ठीक है, एक बार रिएक्शन देख लेते हैं. तो इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एल्डिहाइड लिया, ध्यान रखना ये आपका R जो है वो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या AR दैट इज़ अराइल ग्रुप भी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों के लिए पॉजिटिव है. ठीक है, फिर हम टॉलेंस रिएजेंट लेंगे. आपका टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, आपका अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट और हम एल्कलाइन मीडियम लेंगे OH- और यहाँ पे ध्यान रखना आपका RCHO क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे जो RCHO है वो आपका एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, ये क्या हो रहा है एक्चुअली, ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है. तो इसका मतलब क्या, जो आपका टॉलरेंस रिएजेंट है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ठीक है, जो आपका टॉलरेंस रिएजेंट है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि RCHO को एसिड में कन्वर्ट करता है और सिल्वर AG जो है वो आपका डिपॉजिट करता है. सिल्वर से ही आपका आता है सिल्वर मिरर, ये डिपॉजिशन होने की वजह से आपका बनता है सिल्वर मिरर. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो रिएजेंट क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है,
यहाँ पे सिल्वर मिरर बन रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए आपका जो ऑक्सीडाइज जो आपका टॉलरेंस रिएजेंट है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अगर आपका एल्डिहाइड एब्सेंट है, ठीक है, आपने टॉलरेंस रिएजेंट डाला कंपाउंड में और आपका एल्डिहाइड एब्सेंट है, तो यहाँ पे कोई सिल्वर मिरर नहीं बनेगा, ऐसे आपका नॉर्मल जो है सोल्यूशन होगा, ठीक है, इस कलर का सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर आपका पॉजिटिव टेस्ट है, राइट, अगर आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो इस तरीके का आपका शाइनी कंपाउंड जो है बन जाएगा इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपका सिल्वर मिरर जो है प्रेजेंट है और आपका और आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप जो है प्रेजेंट है, राइट। तो दिस वॉज टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस टेस्ट, ओके। एंड टॉलेंस रिएजेंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, ओके। फिर आता है आपका शिफ्स टेस्ट, ठीक है, शिफ्स टेस्ट जो है अगेन ये सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप के लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है और इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपका पिंक कलरेशन आता है। ठीक है, आपका अगर आपने कंपाउंड लिया, शिफ्स रिएजेंट डाला और अगर आपका पिंक कलरेशन, दैट इज टेस्ट ट्यूब में जो कंपाउंड है वो पिंक कलर का हो गया, तो आपका कंफर्म है कि ये शिफ्ट टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है और आपके कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप जो है प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे देख लो रिएक्शन, यहाँ पे बस आपको ये पता होना चाहिए शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है, बाकी आपको रिएक्शन जो है वो बहुत बड़ा सा रिएक्शन है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए शिफ्ट रिएजेंट क्या है और ऑब्जर्वेशन क्या है और कौन सा कंपाउंड जो है वो आपको टेस्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप एल्डिहाइड कंपाउंड आपका टेस्ट देता है और यहाँ पे आपका शिफ्ट रिएजेंट क्या है, पैरा रोसनलाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है, पैरा रोसनलाइन हाइड्रोक्लोराइड, और जब आप एल्डिहाइड को शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका आएगा पिंक कलरेशन, इसका मतलब कि वो टेस्ट को पॉजिटिव दे रहा है और आपके कंपाउंड में एल्डिहाइड प्रेजेंट है। सो दिस वॉज शिफ्ट टेस्ट। नेक्स्ट आता है आपका फेलिंग्स टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें एक एक करके पढ़ते हैं, अगेन ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप, अगर आपका एल्डिहाइड कंपाउंड है, दैट इज सी एच ओ ग्रुप है, तभी ये रिएक्शन जो है आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, फेलिंग रिएजेंट आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपको फेलिंग रिएजेंट पता होना चाहिए, फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, आपका फेलिंग रिएजेंट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, दो सॉल्यूशन लेते हो आप उसको मिक्स करते हो तब आपका फेलिंग रिएजेंट बनता है, फिर आप उसको कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा के आप ऑब्जर्वेशन करते हो। ठीक है, तो फेलिंग रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन ए में क्या होता है आपका एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है, और फेलिंग रिएजेंट बी में क्या होता है आपका एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, और सिंपली हम उसको बोल सकते हैं रोशेल सॉल्ट। ठीक है, और इसमें आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, रेड कलर प्रेसिपिटेट जो है वो आपका ऑब्जर्व होता है। ठीक है, आपने कंपाउंड लिया, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और फेलिंग सॉल्यूशन ए डाला, फेलिंग सॉल्यूशन बी डाला, उसको हीट करके रख दिया, अगर आपका रेड प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हो रहा है तो आपका कन्फर्म है कि आपका कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है ये टेस्ट नहीं देता, कीटोन तो देते ही नहीं क्योंकि ये टेस्ट जो है वो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए, बट साथ में एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो भी ये टेस्ट नहीं देते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान रखना ये भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पे एल्डिहाइड जो है वो करस्पॉन्डिंग एसिड देता है, ठीक है, और जो आपको कॉपर टू प्लस कहाँ से आ रहा है, ये कॉपर टू प्लस जो है वो आपका कॉपर सल्फेट से आ रहा है। ठीक है, कॉपर टू प्लस जो है वो आपका कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और यही जो है वो रेड प्रेसिपिटेट देता है, यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेड प्रेसिपिटेट और ऑफ फेलिंग सोल्यूशन। ठीक है, और ये भी आपका एल्कलाइन मीडियम में होता है, राइट। बस आपको चेंजेस पता होना चाहिए, जब भी टेस्ट वाले क्वेश्चन आए ना, बस आपको चेंजेस पता होना चाहिए क्या हो रहा है, रिएजेंट क्या है, कौन सा कंपाउंड आपको पॉजिटिव टेस्ट देगा और क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या आपका प्रोडक्ट आ रहा है, दैट इज़ यहाँ पे एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है और कॉपर ऑक्साइड जो है आपका रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए अगर आप टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, राइट। तो दिस वॉज योर फेलिंग टेस्ट, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फिर आता है बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट जो है, बेनेडिक्ट टेस्ट अगेन ये जो है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड है, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप आपका प्रेजेंट हो, ठीक है, कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तभी बेनेडिक्ट टेस्ट जो है पॉजिटिव देता है। ठीक है, इसमें भी अगेन आपको रिएजेंट पता होना चाहिए क्या होता है रिएजेंट, यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं बट साथ में रोशेल सॉल्ट नहीं होता बट यहाँ पे सोडियम सिट्रेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
फेलिंग सॉल्यूशन में क्या था, फेलिंग रिएजेंट में क्या था? आपका फेलिंग सॉल्यूशन ए जो कि एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना रहा है, और फेलिंग सॉल्यूशन बी जो आपका रोशेल सॉल्ट है। यहाँ पे एक ही रिएजेंट है आपका, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग टेस्ट। वाई? बिकॉज एक एक प्रॉपर्टी है फेलिंग फेलिंग सॉल्यूशन, सबसे पहले अगर आपको फेलिंग टेस्ट करना होता है ना, तो हमेशा जो जो आपका फेलिंग रिएजेंट होता है, ये फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी, ये दोनों जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप शाम को टेस्ट परफॉर्म करें तो सुबह ही बना के रखना चाहिए, राइट। दैट इज नेक्स्ट दिन आप आओगे लैब में, तो जो पहले पिछले दिन बना था वो वाला जो रिएजेंट आप यूज़ नहीं कर सकते, ये प्रॉपर्टी होता है। क्यों? क्योंकि एक कुछ टाइम बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है, जिसके वजह से फेलिंग रिएजेंट का पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो प्रॉपर्टी है, वो चेंज हो जाता है, और उसको हम उस टाइम पे हम यूज़ नहीं कर सकते फॉर परफॉर्मिंग फेलिंग टेस्ट। बट बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट रिएजेंट में क्या है, यहाँ पे कोई आपका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे कोई आपका डिकम्पोजिशन नहीं होता, यहाँ पे कोई बेनेडिक्ट रिएजेंट का नेचर जो है वो आपका सेम रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बेनेडिक्ट रिएजेंट को एक हफ्ते या बहुत बहुत दिनों तक, हम बेनेडिक्ट रिएजेंट को एक बार आपने बना के रख लिया तो बहुत दिनों तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, इसीलिए हम इसको कहते हैं मॉडिफाइड वर्जन ऑफ फेलिंग टेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये मोर स्टेबल है, ठीक है। बेनेडिक्ट रिएजेंट इज मोर स्टेबल दैन फेलिंग रिएजेंट, ठीक है। देखो मॉडिफाइड वर्जन कैसे, एक तो आपका रिएजेंट जो है वो स्टेबल है, और यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट तो हमारा कॉमन है, बट यहाँ पे रोशेल सॉल्ट की जगह हम यहाँ पे सोडियम सिट्रेट यूज़ करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं इसको मॉडिफाइड वर्जन। और क्यों इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन, क्योंकि बेनेडिक्ट रिएजेंट इज मोर स्टेबल दैन फेलिंग रिएजेंट, ठीक है। और इधर भी आपका रेड कलर प्रेसिपिटेट जो है वो ऑब्जर्व होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका RCH जो है वो आपका एसिड देता है करस्पॉन्डिंग, और कॉपर 2+ जो आपका कॉपर सल्फेट से आ रहा है, कॉपर 2+ यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है वो देता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। आपने कंपाउंड लिया, बेनेडिक्ट रिएजेंट लाला और उसको हीट करके रख दिया, अगर आपका रेड प्रेसिपिटेट जो है वो ऑब्जर्व हो रहा है तो आपका कन्फर्म है यहाँ पे आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है प्रेजेंट है, राइट। फिर नेक्स्ट लास्ट टेस्ट है हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट जो है, यहाँ पे आप येल्लो प्रेसिपिटेट देख सकते हैं ऑफ आइडोफॉर्म, ठीक है। ये आइडोफॉर्म टेस्ट इसके, हाँ एक और यहाँ पे देख लो, हाँ। तो अगर आपने कंपाउंड लिया, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन के लिए नहीं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स वो देते हैं। अभी हम फर्दर पढ़ते हैं, पहले मैं समझा देती हूँ आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में आप कार्बनिल कंपाउंड लोगे, ठीक है, कौन से टाइप का कार्बनिल कंपाउंड है वो फर्दर डिस्कस करेंगे, बट कार्बनिल कंपाउंड लोगे और NaOH लोगे, या इधर हम KI इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दो टाइप के रिएजन यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक है, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड, क्योंकि यहाँ पे एक्स है इसलिए सोडियम हाइपोहैलाइड। तो अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह आई होता तो सोडियम हाइपो आयोडाइड हो जाता, ठीक है। या तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, या तो KI इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये भी रिएजन यूज़ कर सकते हैं। दोनों जो है वो आपका यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट ही देता है, ठीक है, दोनों जो है वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट ही देता है, ठीक है। तो आपने कार्बनिल कंपाउंड लिया, इन दोनों में से किसी को भी एक लिया, तो आपको क्या बनेगा, यहाँ पे भी देखो अगेन यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ये सारे रिएक्शंस है वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ही हैं, ठीक है, थीके? बट साथ में कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं, इसीलिए हम इसको फिर टेस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जब आपने ये रिएक्शन करवाया तो ये आपका जो कार्बनिल कंपाउंड है ये करस्पॉन्डिंग एसिड देगा, सॉल्ट ऑफ एसिड देगा, प्लस आपका जो है वो हैलोफॉर्म बनेगा, ठीक है। बट अगर आपने आइडोफॉर्म टेस्ट कर रहे हो, पर्टिकुलरली आइडोफॉर्म टेस्ट कर रहे हो, जो कि हमारा फेमस है, क्वेश्चंस में आइडोफॉर्म टेस्ट ही ज़्यादातर आते हैं, ठीक है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट कर रहे हो तो आपका यहाँ पे आइडोफॉर्म, ठीक है, CHI3 ये वाला प्रेसिपिटेट जो बनेगा, और ये आपका येल्लो कलर होता है, येल्लो कलर प्रेसिपिटेट जो है वो देगा, ऐसे इस टाइप का येल्लो प्रेसिपिटेट जो है वो देगा, ठीक है। तो आपका कंफर्म हो जाएगा कार्बनिल कंपाउंड प्रेजेंट है, बट कौन से टाइप का कार्बनिल कंपाउंड प्रेजेंट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एल्डिहाइड में, ठीक है, अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हो और उसमें आपका इथेनल है, एल्डिहाइड कंपाउंड आपका है ऑर्गेनिक कंपाउंड और वो इथेनल है, तब ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ इथेनल ये आपका टेस्ट देता है, और कीटोन में, ठीक है, कीटोन की बात करें तो सारे के सारे कीटोन जिसके पास ये वाला ग्रुप हो, और ये वाला ग्रुप क्या है इसको हम कहते हैं मिथाइल कीटो ग्रुप, ठीक है, इसको हम कहते हैं मिथाइल कीटोन ग्रुप, राइट। क्या होता है ये CO CH3,
ऐसे वाला ग्रुप अगर आपके पास प्रेजेंट है तो आपका ये आइडोफॉर्म टेस्ट जो है पॉजिटिव देगा. क्यों? क्योंकि ये वाला कंपाउंड जो है वो ये वाला ग्रुप जो है वो टूट जाता है और आपका करस्पॉन्डिंग एसिड जो है बन जाता है. ठीक है, इसीलिए ये टर्मिनल, ये वाला कंपाउंड जो है वो टर्मिनल प्रेजेंट होना चाहिए. अगर हम इथेनल की बात करें, इथेनल का स्ट्रक्चर क्या होता है? आपका CH3COH होता है, राइट. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है मिथाइल कीटो ग्रुप, तो इसीलिए सिर्फ एल्डिहाइड में इथेनल ही दे पाता है, बाकी सारे जो है वो नहीं दे पाते. इसका नेक्स्ट कंपाउंड क्या है? प्रोपेनल. ठीक है, प्रोपेनल का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3CO H. अब आ गए प्रोपेनल, ये आपका नहीं देगा. क्यों? क्योंकि आपका ये वाला ग्रुप मिथाइल कीटो ग्रुप ये वाला प्रेजेंट नहीं है, राइट. तो इसीलिए आपका यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड में इथेनल ही देगा. कीटोन की बात करें तो सारे कंपाउंड विद दिस ग्रुप, ठीक है, सारे कंपाउंड विद दिस ग्रुप. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एसीटोन ले लो. एसीटोन क्या होता है? CH3CO CH3. तो ये जो है वो आपको पॉजिटिव देगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला कंपाउंड है, ये वाला ग्रुप जो है प्रेजेंट है. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए आइडोफॉर्म टेस्ट है कौन कौन से ग्रुप देते हैं. ठीक है, एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल देता है क्योंकि उसके पास ये वाला मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, और कीटोन में सारे कीटोन जो कि ये वाला ग्रुप देते हैं. ठीक है, और क्या होता है? आपका येलो प्रेसिपिटेट आता है ऑफ आइडोफॉर्म, राइट, और यहाँ पे भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है. तो ये थे आपके सारे टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन के, राइट. अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपका PYQ है, लास्ट ईयर 2023 में ही आया है. इन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन. ठीक है, अब देखो ये कौन सा टेस्ट है, ये क्या है? ये आपका है सिल्वर, ये आपका है टॉलेंस रिएजेंट. ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे आपका हो रहा है टॉलेंस टेस्ट. और हमने क्या पढ़ा था? टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है? टॉलेंस टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है, जिस जहाँ पे CHO ग्रुप हो वही वाला कंपाउंड जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव देता है. और क्या होता है, एक और सारे पॉइंट्स जो आपको याद होना चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट दिख गया, तो ये कहाँ का क्वेश्चन है? टॉलेंस टेस्ट का क्वेश्चन है. ठीक है, टॉलेंस टेस्ट कौन सा कंपाउंड जो है पॉजिटिव देता है? जहाँ पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या होता है? यहाँ पे आपका सिल्वर मिरर बनता है. ठीक है, यहाँ पे आपका सिल्वर मिरर बनता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे क्या होता है? CHO जो है वो आपका एसिड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, CHO जो है वो आपका एसिड में कन्वर्ट होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो दिखता है. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो एक एक करके याद होने चाहिए तभी आप ऐसे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद आ गए, अब इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो, ये कंपाउंड है आपका, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? यहाँ पे आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे आपका एल्डिहाइडिक का फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, दिख रहा है आपको? ये आपका कीटोन है और ये आपका एल्डिहाइड है. ठीक है, और क्योंकि ये टॉलरेंस रिएजेंट है तो कौन सा ग्रुप दिखाएगा आपका? ये वाला ग्रुप दिखाएगा. ठीक है, अब ये वाला ग्रुप दिखा रहा है तो ये किस में कन्वर्ट होगा? आपका एल्डिहाइड जो है वो एसिड में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कौन सा जो है सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप आपके एसिड में कन्वर्ट हुआ है. ठीक है, तो ए देखो, ए में दिख रहा है आपको कीटोन जो है वो एसिड से है क्योंकि नेगेटिव टेस्ट देता है, बट आपका एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका आंसर है. ठीक है, बाकी भी एक बार देख लेते हैं. बी में देखो, कीटोन जो है वो आपका रिड्यूस हो गया, ये नहीं देगा. ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही देते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी आपका रिडक्शन हो गया, ये भी नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे भी आपका देखो रिडक्शन हो गया, रिडक्शन नहीं है. टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हैं. तो आई होप दिस हेल्प्स यू. यहाँ पे सारे रिएक्शंस को जो है एक बार देख लेना और ऐसे चार्ट बना लेना. ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, कौन सा ग्रुप देता है, क्या ऑब्जर्वेशन है, और यहाँ पे क्या होता है, कौन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो आप ऐसे चार्ट बना के पढ़ेंगे तो आपका सारे टेस्ट जो है वो आपको याद हो जाएंगे. ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, एंड प्लीज़ डू शेयर अबाउट दिस सीरीज़ टू योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए. एंड प्लीज़ डू कमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से टॉपिक के ऊपर कवर करना है ताकि मैं उसका वीडियो बना पाऊँ. थैंक यू सो मच.